वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आप लोगों को वापसी हम लोग लेके आ चुके हैं हमारे भरत कार वाले भरत भैया के पास। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया भैया, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा भाई, कैसा रिस्पांस है, कैसा प्यार मोहब्बत मिल रहा है भाई लोगों से? बहुत अच्छा मिल रहा है भैया, टच वुड, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और आज हम अपने न्यू स्टोर पे भी आ गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, कोई लोगों का क्वेश्चन है कि भैया पुराना वाला स्टोर बंद करने वाला, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, वो भी फंक्शनल है। बट जिन लोगों को चाहिए था कि हमें जगह ज्यादा चाहिए, एयरी फील चाहिए, तो उनके लिए मस्त लॉन्च में भी बैठना है, तो भाई सब कुछ जो है वो आप लोगों को हमारे न्यू वाले शोरूम के अंदर में जो मजा मिल जाएगा। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, हमारा ऑलरेडी एक स्टोर है जो कि करोल बाग के अंदर सिचुएटेड है। अगर आप वहां पर आके वर्किंग कराना चाहें, वहां पर भी आप वर्किंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा वाला फील आए, तो भारत कार इज नाउ अवेलेबल इन नारायण के अंदर। हम आप लोगों को सॉल्यूशन देख रहे हैं और भाई सारी बड़ी बड़ी पार्किंग है और सब चीज़ें अवेलेबल है। आज की वीडियो में भरत क्या दिखाने वाले हो? भैया आज की वीडियो में एक तो हम अपनी सुपर स्पेशल कार दिखाने वाले हैं और अपनी बड़ी जबरदस्त तैयार हो रही हो, और मेरे ख्याल से सबसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रेंज दिखाने वाले हैं, ठीक है, फुल स्टॉक के साथ। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि थार की सबके सब लोग वर्किंग कर रहे हैं। मैं नाम किसी का स्पेसिफिकली लूंगा नहीं, कोई मतलब भी नहीं बनता। बहुत सारे लोग थार का काम करते हैं, लेकिन होता क्या है, उनके पास एक एक पीस ही पड़े होते हैं। बिल्कुल भैया, वो जुगाड़ करके इधर से एक पीस उठा लिया, उधर से वो पीस उठा लिया, उनके पास ना पूरी रेंज होती भी नहीं। करेक्ट, मेरे ख्याल से एक्सक्लूसिव रेंज तो है भी नहीं, ना अच्छे ब्रांड्स हैं, वही हाँ कुछ है, बस वो चार लाइटें दिखा दी, दो टेल लाइट दिखा दी, बैठ गए, उसके बाद सब हल्का 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 लगा दिया। ठीक है भाई, तो आज आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले दिखाते हैं हमारी कलेक्शन। हमारा स्टोर जो है 95% तैयार हो चुका है, 5% रह गया, थोड़ी सफाई होनी है। और आपका ऊपर लॉन जो है उसमें एसी वेसी का काम, थोड़ा ब्रांडिंग का काम चल रहा है, तो आई होप आप लोगों को मजा आएगा। करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, आप लोगों को फिर से एक टूर दे देता हूँ हमारे स्टोर का। नारायणा के अंदर हम सिचुएटेड है, यहाँ से आपकी एंट्री है, यहाँ से आपकी एग्जिट है, यहाँ से भी आप लोग एग्जिट कर सकते हो, चारों तरफ का ऑप्शन है। सामने की लोकेशन हमारी पूरी पार्किंग है, वो हमारी टीम वहाँ पर खड़ी हुई है। और अब मैं आप लोगों को स्टोर की तरफ में जो है लेके चलता हूँ, और आप लोग जो हमारी कलेक्शन चेक करोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, और मैं आप लोगों को जो है भरत की वाइफ यानी कि प्रिंस की बहन से भी जो है मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा आने वाली वीडियो में। ये हमारा वर्किंग एरिया है जहाँ पर आप लोगों को जो है पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मिलता है। एंड प्रेजेंटिंग यू ऑल, हमारा भारत कार का जो वॉल है वो तैयार हो चुका है विथ ऑल द ब्रांड्स, जिसके आप लोगों को भरत का पूरा असिस्टेंस जिसमें मिलने वाला है। ठीक है, और भरत एक चीज बता कि कैसे जिन ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म का काम है? भैया आज बहुत लॉन्ग टर्म से तो हम उनके साथ काम कर ही रहे हैं। करेक्ट, और ये इवन लॉन्ग टर्म ही है, अब तक तो लोग देख ही चुके हैं, हम तो हटे नहीं, आज भी हम उन्हीं ब्रांड के साथ हैं। वेरी नाइस, एक डेढ़ साल से तो वही देखते देखते उन्हें हो गया, और टच वुड हम चाहते हैं 10-20 साल एक लेगेसी बने उन ब्रांड्स के साथ। आई होप आप लोगों को जो ये चीज देखने में मजा आ रहा है। ये वॉल जो है हमारी तैयार की गई है, और बहुत मेहनत लगी है भाई पूरा स्टोर तैयार कराने में। लकीली हम लोगों को स्टोर जो है वो अपने मतलब का मिल गया था, कि हम लोगों को गाड़ी का ही काम करना था तो गाड़ी वाली जगह हम लोगों को मिल गई थी। ये हमारा सारा का सारा लोडिंग वाला सामान है जो अभी ऑफलोड हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्स वाइज चेक कर सकते हो। भरत, आज स्टेप बाय स्टेप तूने सब चीजें समझानी है, मतलब इलैबोरेट करके बताना है। बिल्कुल, ठीक है, तूने बताना है क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी में आता है, कौन कौन से ब्रांड में अवेलेबल है, प्लास्टिक है, लोहा है, क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई एक चीज जो कि आप लोग काफी रिलेट कर पाते हो, एंड इवन जितने भी यंगस्टर्स है या फिर जितने भी लोग ऑफ रोड का शौक रखते हैं उनके लिए यहाँ पर होगा, तो भरत बम्पर्स में क्या क्या चॉइस है, एक बार थोड़ा टच करके हाथ वात लगा के सब बता दे भाई। भैया मेटल के अंदर तो पराट के बम्पर हम जानते हैं कि वो बहुत टाइम से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, और वो देते आए हैं। अब ऐसे ही एक बहुत इन बम्पर है, थोड़ा कॉमन भी हो रहा है, बट काफी इन है, रैंगलर बम्पर। उस हिसाब से ये ABS फाइबर अब हमारे पास थोड़े देर में अगले व्लॉग में हम लोगों को मेटल में भी दिखाएंगे। तो मतलब हमारे पास रेंगलर वाला मेटल में भी अवेलेबल है। अब कई सारे लोग ये पूछते हैं भैया इसके कलर चेंज कर दूं, इसका कलर चेंज कर दूं, तो ये तो भरत कर ही देगा, दिस इज अ प्रीटी नॉर्मल थिंग। हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ बेसिक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब अगर आप ओवर हाइप करके समझ के देखोगे तो नहीं है। भैया हमने प्रोजेक्टरों का कलर चेंज कर दिया, DRL का कर दिया है, तो बंपर है, पेंट होना उधर, तो पूरी की पूरी DRL ही चेंज कर दी। वेरी नाइस भाई, ठीक है, तो बंपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है। अब सबसे पहली चीज, इनके पास बड़ा एक नया प्रोडक्ट आया है भाई, ठीक है, ये भी ब्रांड अच्छा है, ठीक है, और भाई ये आप लोगों के नए वाले प्रोजेक्टर्स आए, ये इनबिल्ट वाले है भाई, इनबिल्ट LED है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्ट इन LED है, एल्यूमिनियम बॉडी है भैया पीछे से, आप एक बार फिर ये अपने ऑलरेडी जो है थार के अंदर यूज भी कर रहा है। क्या रिपोर्ट है? थम्सअप वाली, थम्सअप है, चलो भाई डन है। बाइफोकल भी दिखाया जाए भाई। बिल्कुल सर, ये भैया बाइफोकल है, आज के टाइम पे काफी सारे रिनॉन्ड ब्रांड्स भी इसको लेके आते हैं। बिल्कुल, लेकिन भाई जो ब्रांड हमारे पास है वो रिनॉन्ड है भाई। बिल्कुल है, और ये टॉप ऑफ द लाइन भी है, और हमारे पास ये सीन नहीं है कि केवल एक पीस या दो पीस पड़े होंगे,
भैया जब हम स्टॉक दिखाएंगे ना किसी दिन, एक दिन स्टॉक की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नहीं दिखा रहा भाई हमें, मैंने क्या बोला, जो लोग सब दिखा रहे हैं लाल पीले हरे नीले नीले रंग के, तो सबके सभी बेच देंगे, हमें वो नहीं बेचना। नहीं, नहीं, हमें जो है थोड़ा क्लासी चीज आप लोगों को दिखानी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, सबसे पहले टेल लाइट के बारे में बात करते हैं। भरत, टेल लाइट की क्या स्कीम है भाई? ये मार्केट में फ्लोटिंग हो रखी है बिल्कुल गलती तरीके से लाइटों की। बिल्कुल भैया, अपना क्वालिटी भी हल्की होती जा रही है ना, उनके पीछे DRL में क्वालिटी है। ठीक है, लोग कहते हैं सस्ता कर दें सस्ता कर दें, क्वालिटी हटा दें, कस्टमर को सेम चीज़ देखेंगे बोलेंगे भैया सेम ही तो दिखती है, सस्ता सस्ता, बात वो नहीं है। अच्छी चीज़ अच्छी होती है, अच्छा कस्टमर अच्छी चीज़ ही चाहता है। और मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा वाई भारतकार, क्योंकि भाई भारतकार आप लोगों को जो चीज़ बता रहा है वो ट्रांसपेरेंट होकर बिल्कुल भैया हम कर रहे हैं, तो धार का काम कर रहे हैं, ठोक के कर रहे हैं बिल्कुल भैया, और हम जो बताते हैं और वही देते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये असिस्टेंस आप लोगों को इनकी तरफ से मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ जाता हूँ भरत, क्योंकि इस तरफ चलते हुए आएगा। तो भरत ये क्या चीज है भाई, अपने हाथों में पकड़ो आज प्रोडक्ट, आज तुमने हाथों में दिखाने हैं ये अपने ग्रैब हैंडल्स एल्युमिनियम वाले जो कि, और ये ग्रोवर अंकल स्पेशल है। हाँ जी, ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो बहुत क्लोज है मेरे से, क्योंकि पापा ने डेवलप कराया था। वेरी नाइस। और ये उन्होंने डेवलप भी इसलिए कराया था क्योंकि मम्मा नहीं जड़ पाते थे। ठीक है, और हमने होल मारना नहीं था उन्होंने आर पार, तो उन्होंने बोला भाई अब मैं इसी पे लगूंगा और ये मैं बना के रखूंगा। तो उन्होंने बहुत बढ़िया, ऑलरेडी इट्स कॉपीड बट अगेन अपनी इन्वेंशन, अपनी इन्वेंशन होती है। और आज भी ये हमें अच्छा लगता है भैया, कॉपी भी हुआ तो सबकी गाड़ियों में छेद तो होने बंद हो गए। चलो भाई से भी लगे। ये भी अच्छी बात है। अब एक बार आप जरा ये दिखाओ भाई हिंज उठा के, ब्रांड ब्रांड का नाम नहीं लूंगा पहले आपको को क्लियर बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी जो है रिनॉन्ड ब्रांड्स के ही अवेलेबल होते हैं। खोल के दिखाइए उस हिंजेस को। ये देखो भाई, ये हिंज आपका ऐसे खुल जाता है और जितने भी लोग लगाना चाहते हैं आपके ओरिजिनल नट्स में इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है। रिस्पॉन्स वाइज इट्स गुड और अच्छा आता है। लेकिन वही चीज है, जिस ब्रांड का भरत जो है आप लोगों को रिस्पॉन्स बताएगा जो करेंटली अवेलेबल होगा, क्योंकि आप इसको एक साल बाद भी दे सकते हो, छह महीने बाद भी दे सकते हो, तो इस बात को जरूर समझना। और इसी के साथ में ये क्या है भाई दूसरी चीज, ये ग्रैब हैंडल आते हैं भैया लंबे वाले। ठीक है, ये लंबे वाले ग्रैब हैंडल कर दो भाई, अनबॉक्सिंग करो लाइव। ये भी काफी इन है भाई, ये भी इन है भैया। ये जो चीज ज्यादा इन हो जाती है फिर उसके रेट जो है वो अजीब से चलने लग जाते हैं भाई। बिल्कुल भैया, एक्चुअली कॉपी भी बहुत हो जाती है ना, अभी कॉपी भी हो गया है ग्रैब हैंडल, तो हम ओरिजिनल दे रहे हैं, कस्टमर को कोई कॉपी का रेट बता रहा है, तो भैया हम अभी वो भी दिखा देंगे। ठीक है, वो भी चीज हम लोग आप लोगों को जो है चॉइस वाइज जो है समझा देंगे। ठीक है, और भाई इसमें काफी अच्छी पैकेजिंग होके आ रखी है। बिल्कुल, चलो मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखाता हूँ, पकड़ो भाई एक बार। ये आप लोगों का ग्रैब हैंडल है, इधर से भरत भैया निकालेंगे बाहर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन भाई इन्फॉर्मेटिव होगी, आप में से जितने लोग भी थार का सॉल्यूशन ढूंढ रहे ऑल ओवर इंडिया, अगर आप लोग आ नहीं सकते हो तो भरत आपको डिलीवरी भी करवा देगा विद प्रोटेक्शन, आप लोगों को जो मिल जाता है। मुसाफिर असिस्टेंस है, थार का काम कराना है, जिमनी का काम कराना है, अपनी कोई भी ऑफ रोडिंग व्हीकल का काम कराना है, ओनली एट भरत कार। ठीक है, तो भाई ये है, ऐसे लग जाता है। हाँ जी, और ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल बढ़िया है भैया। और इसमें बॉटल ओपनर है बाकी। अच्छा, बॉटल ओपनर भी है क्या? ये देखो भाई साहब, तो बाकी फंक्शनैलिटी वाइज अभी भी हमें वो अच्छा लगता है, पर ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेल्स है। और भाई डोर इंजेस में जो कमाल इसने किया है वो तो अनबीटेबल है भाई। भैया ये तो एक ना पहचान बन गया थार की, है ना। अगर आपकी थार में जैसे होता है ना कि मूंछ होनी चाहिए, तो आपकी थार में हिंज होने चाहिए उसे रगिड फील देने के लिए। ठीक है भाई, ये आप लोगों को जो है डोर इंजेस का समझ आ गया। एलईडी लाइट्स कुछ ब्रांड्स की जो हम लोग करते हैं वो आप लोग रिनॉन्ड ब्रांड्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी LEDs के बारे में भरत क्या कहोगे आप, थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ भाई। भैया ये सारे ना टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स, अगर आप इनमें, और ये सब सुनवाई वाले हैं सब कुछ, कुछ एक साल से ऊपर की वारंटी भी मिलती है, दो दो साल की भैया सब में, दो दो साल की वारंटी है, दो दो साल की वारंटी है सारी के सारे। जो भी ब्रांड के साथ हम वर्क करते हैं पहले ही देख लेते हैं। और भैया ये वो वाले ब्रांड नहीं है जो अभी 6 महीने पहले आए हैं, आपने कभी नाम ना सुनो, आपको इन ब्रांड के इम्पोर्टर्स नाम सबको पता है, और हम वही प्रोडक्ट देते हैं जिसकी कोई सुनवाई है, जो बहुत टाइम से एक लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं यार भाई चाइना से ही तो सब कुछ आ रहा है, तो भैया चाइना में 100 रुपए की चीज भी बनती है, वही चीज 1000 रुपए की भी बनती है। बिल्कुल है भैया, तो भाई इस बात को समझना और भाई क्या करो, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी जी हाँ है अभी, जब तक तब तक आप लोग जो है इस बारे में समझ लेना भाई। और भाई ये कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको दिखाए थे, भरत भैया क्या बोलते हैं, ये DRLs है सर। ठीक है भाई, DRLs आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो DRL का लुक जितना बढ़िया है उतना इसका इंस्टॉलेशन इजी भी है ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, इसमें ये कैनवस भी आता है जिससे एरर उरर की चीज जो है कम हो जाती है, और हमारे पास एक और तरीका भी है जिससे एरर आते हैं। ऐसा है? हाँ, हमने भैया सॉल्यूशन ले आए हैं। अब तो पहले हम इसलिए बोलते नहीं थे क्योंकि हमने इतना टेस्ट किया नहीं था, अब इतनी गाड़ियों में टेस्ट कर लिया कि अब हम एरर फ्री DRL लगाते हैं, आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। आप लोग जो है जरूर ऑप्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों के बड़े बेसिक चीजें हैं लेकिन ये कई सारे लोग चाहते हैं। क्या बोलते हैं ब्रदर्स, रिफ्लेक्टर्स बहुत इम प्रोडक्ट है, काफी वॉल्यूम में सेल होने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को जो है समझ आ जाएगा, अलग अलग डिजाइन पैटर्न्स देखो भाई बहुत सारे हैं, अभी इसमें और डिजाइन भी आते हैं, पर हम
ठीक है, ये वो है जिनमें कंप्लेंट नहीं है, बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पर लाके भरत ने जो आपके टेल लाइट से मैचिंग भी है ना, ये एक्चुअली टेल लाइट के साथ आता है, वो रैंगलर टेल लाइट के साथ चलता है, ठीक है, तो हमारे पास वो वाली अभी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे प्रिंस वाले भैया का क्या नया प्रोटोटाइप, एक बार दिखाना भाई जरा। ये बायफोकल है सर, ठीक है, इसमें आपको मुसाफिर का भी नाम दिख रहा होगा भाई, क्योंकि ये हमने भी बड़ी टेस्टिंग करी है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, निकाल दो भाई एक बार, उठाओ अपने हाथों में पकड़ो इसको, ठीक है, तो आप लोगों के लिए खास जो है यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, बकायदा आप लोगों की वीडियो में लाइव इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ, बायफोकल बाय हाइपरसोनिक, दिस इज टेस्टेड बाय मुसाफिर, और हार्ड टेस्टेड है क्योंकि आपका भाई जो है वो करता है तो नेक्स्ट लेवल की चेकिंग करता है पूरी इसकी, ठीक है। और ये प्रिंस भैया पैकिंग तो बनाते हैं, तो तगड़ी पैकिंग है, हाँ वो सब कुछ तगड़ा, ठीक है भाई, और इसमें बड़े सारे कलर ऑप्शंस भी आते हैं, मल्टीपल कलर वाला भी है, और आपका नॉर्मल भी आता है, सुजुकी के फिटमेंट वाला भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। तो दिस इज़ दी बायफोकल बाय हाइपरसोनिक ऑफिशियली अवेलेबल एट भारत कार, एंड्रॉयड स्टीरियो रिलेटेड टू एनी ब्रांड, GT9 मोटोनीट्स और हाइपरसोनिक, एनी ब्रांड यू वॉन्ट, मुसाफिर असिस्टेंस जो स्टोर में है वो भरत कार में है, अपना प्यार मोहब्बत और एकदम ऑफिशियल ऑफिशियल आप लोगों को जो है रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। तो भरत अब थोड़ा सा हेडलाइट के लिए बातें कर ले भाई, बिल्कुल भैया, कंफ्यूजन काफी है, चॉइसेस बहुत सारी, कौन सी है भाई हेडलाइट? ये भैया इन्वर्टेड यू, क्या रिपोर्ट है इसकी? बहुत अच्छी हेडलाइट है, काफी इन हेडलाइट है हमारे पास, इसमें दो मॉडल्स आते हैं, और सच्ची अच्छी बताइए किसकी ब्राइट है और किसके साथ फॉग लैम्प की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ फॉग लैम्प की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये काफी ब्राइट है, ये काफी ज्यादा ब्राइट है, मतलब ब्राइट ये किस सेंस से कह रहा है कि जिनको लुक भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, तो उसके सेंस से यहाँ पर भरत समझा रहा है, बिल्कुल, और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है कस्टमर्स के लिए कि वो बहुत कभी कभार सोचते हैं मैं ये हेडलाइट लगाऊं रोशनी आएगी नहीं आएगी, लुक आएगी, बहुत लोगों का होता है मैंने हेडलाइट चेंज कराई मुझे रोशनी नहीं आई, सिर्फ भैया मैं परेशान हो गया हूँ, तो आज हम उन्हें बता देंगे आप कौन सी हेडलाइट लगाओगे तो आपको रोशनी आएगी, कौन सी हेडलाइट लुक बेस्ड हेडलाइट, परफेक्ट है भाई, सच्चाई के साथ जितना चलोगे उतना लंबा चलोगे। ये क्या है भाई? ये भैया 2 इंची प्रोजेक्ट, ये फॉर्च्यूनर वाले? हाँ जी भैया। अरे भाई सेक्सी लग रहे यार ये भी, यस बायफोकल, ये बायफोकल है, बिल्कुल भैया सेक्सी है, अरे तो लगवा लो भाई फॉर्च्यूनर वॉर्चुनर वाले, तुम भी आ जाओ। ये भी भाई ये क्या है? ये रेड DRL वाले अपने। अच्छा भाई ये मैंने वही तो कहा था कि हम तो चीज ही अलग कर देंगे ना, तो सेक्सी लग रहा है भाई, मतलब इसमें क्या DRL चलता है? इसमें रेड DRL चलता है, हम एक क्लिप ऐड भी कर देंगे रेड DRL वाले प्रोजेक्टर, हमारे फोटो ले रखी है, वीडियो है, हाँ जी भाई याद दिलाइयो मेरे को, ये तो मेरे को डालनी है भाई, या फिर इसको मैं एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाऊं, कमेंट सेक्शन में बताना क्या पता हम डाल दे, ये आने वाले टाइम पे हम आपको जो है बता देंगे अच्छे से। ये कौन सी टेल लाइट है? ये भी एक्स वाली है, पुराना एक्स वाला पैटर्न, पुराना एक्स वाला पैटर्न, ये आप लोगों का रैंगलर स्टाइल, ये रैंगलर स्टाइल, ये कौन सा है? ये प्रिज्म नहीं है, ये एक और एक्स वाला आता है, ये उससे ही पहले था, ये तो हमने पूरी लेगेसी एक्स की रख दिया, ठीक है, तो मतलब जिस तरीके की आपको चीजें चाहिए सब वो, है वो हम अवेलेबल करा देंगे, प्रिज्म भी है, ठीक है, प्रिज्म वाली भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। हेडलाइट के बारे में बात करूं, इसका नाम क्या है? ये भैया किंग कॉन्ग। इसका नाम क्या है? किंग कॉन्ग प्लस। इसका नाम क्या है? माइनस विद रिंग। ठीक है, इसका नाम क्या है? आइस क्यूब। ठीक है, इसका नाम? स्टेडी होमेज। ठीक है भाई, सबसे खतरनाक वाली ये माइनस विदाउट रिंग। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है भैया US रैंगलर पैटर्न। ठीक है, ये रेड DRL है? हाँ, इनमें एक रेड DRL भी है, वो हमें चला के शायद से चेक करेगा, बट यस इनके पीछे भी कहीं है। हाँ जी, ये वाली रेड DRL, ये रेड DRL, ठीक है, विद पूरी ब्रांडिंग रूटिंग है, पीछे देखो इसका भी लुक है, QR कोड लगा हुआ है पूरा का पूरा, बिल्कुल भैया बिल्कुल। ये कौन सी लाइट है भाई? ये रैंगलर वाली जो सबसे पहले आ रही थी। ठीक है, ये स्टडी की आइरिस। आइरिस इसमें सबसे ब्राइटेस्ट कौन सी है भरत? मतलब जब तू कह रहा है भैया मेरे पास आओ तो पूछो ही मत, मेरे से वही लगवा लो भैया। किंग कॉन्ग प्लस, किंग कॉन्ग प्लस दस, अगर ब्राइटनेस पे जाना है, ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और उसका DRL, और जिन जिन लोगों ने हेडलाइट नहीं चेंज करानी है उनके लिए सब ब्राइटेस्ट LEDs अवेलेबल है, ठीक है, तो अपनी चॉइस बना लो, पैसा खर्च करना है तो एक ही बारी खर्च करना है, बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। अभी मैं दूसरी चीज जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो ग्रिल है भरत। ये कौन सी ग्रिल है भाई? ये भैया ये है अपनी हेवी ड्यूटी ग्रिल, 7 स्लॉट हेवी ड्यूटी। ये क्या ABS है? क्या है ABS? ABS है, नाइस। ये मैट में? मैट में है, बहुत बढ़िया। ये एक ग्रिल जो है ये 4 स्लॉट वाली है ना? ये भी 4 स्लॉट ग्रिल भी हमारे, ये भी काफी सारे लोग जो है स्टार्टिंग में इसकी बहुत ज्यादा मांग थी, अब थोड़ा ओवर द टाइम स्लो हो गया। ये वाला कौन सा है भाई? ये अपनी हेवी ड्यूटी में रेड कलर। ओके भाई, रॉकी बीच, एक्वामरीन, तो मतलब सारे कलर्स ऑन टेबल अवेलेबल है, बिल्कुल है, ठीक है। जितने भी व्हाइट थार वाले हैं बड़े परेशान रहते हैं भाई, व्हाइट वाले मैंने देख लिया है, ये काफी परेशान घूमते हैं, हमें मिली नहीं रही ग्रिल, मिलती है तो पेंट नहीं मिलती क्वालिटी में, बिल्कुल। और भैया बहुत हल्की पेंट की ग्रिल मिल गई, किसी का पेंट उखड़ रहा है हमारे पास वो दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। आपको पता समझ आ गया होगा मुसाफिर भैया क्यों आपको असिस्टेंस दे रहे हैं, ब्लैक कलर में ही, इसमें आप देखोगे मोटी वाली ग्रिल जिसमें जाली लगी होती है, इस वाली में आपका हनीकॉम वाला डिजाइन है, और ये वाला कौन सा है? ये मॉड्यूलर वाली है? यस यस यस, ठीक है, ये मॉड्यूलर है, और ये एंग्री वाली है, ठीक है, प्रेडिटर है,
प्रेडेटर, प्रेडेटर या वैसे कुछ बोल सकते हो। और भाई बाकी कैसा लग रहा है बताना आप लोग, गर्म तो नहीं हो रहा है? सही है भाई। तो भाई ये देखो भाई, आप लोग मतलब इन्होंने मेहनत करी है भाई हर चीज़ दिखाने में आप लोगों को, तो ये बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट इसके बाद ये क्या एक्सेसरी रहने वाली है भाई? ये भैया काफ़ी यूजफुल है, स्टेपनी गार्ड कहते हैं। ओके। मेजरली स्टेपनी प्रोटेक्टर होता है कि आपकी चोरी ना हो और एक कवर भी हो जाए। कई लोग कहते हैं गंदा बंदा हो जाता है मेरा टायर पीछे से, तो वो चीज़ के लिए काफ़ी यूज होता है भाई। प्लग एंड प्ले आर्मरेस्ट आप लोगों के रियर के लिए और फ्रंट के लिए अवेलेबल है। रियर के यहाँ पर रखे हुए कलर चॉइसेस देख लो, ये आप लोगों को इतने सारे कलर चॉइसेस के साथ में मिल जाता है, ठीक है। और ये रेडी टू इंस्टॉल आप लोगों के लिए भरत कार में अवेलेबल हमने कराया है। तो भरत आई गेस हम लोगों ने तो भाई इतना आइडिया दे दिया, और ये सब हमारे पास बल्क में पड़ा है। बल्क में ये एक एक दो दो पीस नहीं है भरत। अगर आप भरत के बारे में और थोड़ा सा पढ़ना चाहे, अंकल जी के बारे, ग्रोवर जी के बारे में पढ़ना चाहे, तो दे आर इनटू ऑलरेडी जिप्सी, थारे, सीआरडी वाली, बुलेरो, इन सब में थी। तो भाई अभी हमने रिसेंटली, आप भी बाहर थे मैं भी बाहर था, जिप्सी में भी टैंडम बम्पर लगाया। अच्छा, जिप्सी में टैंडम बम्पर। तो आज ही भैया वो तो लेगेसी क्रेज तो है ही जिप्सी का। भाई आप में से किसी का भी जो बजट है कम भी होगा तो भरत उसमें भी रिकमेंड आपको चीजें कर देगा। बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड रहो, मजा आएगा आज के इस वीडियो में। अभी के लिए इतना ही है, गाड़ी आने देते हैं कस्टमर की, फिर आपको बताएंगे बाकी हमारा स्टोर कैसा लगा है। ये आपने मेरे को कमेंट में नहीं बताना, अपनी थार लेके आनी है हमारे पास। और बकायदा अगर मेरे पास टाइम हुआ 100% मैं भी वीडियो बनाने आऊंगा, नहीं तो भैया आप लोगों की इंस्टाग्राम में बढ़िया रील बना लेंगे, क्योंकि रील के लिए अब सिमरन जो है पूरा असिस्टेंस भरत को करती है। और आने वाली वीडियो में फॉर श्योर हम सिमरन को भी लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को जो है असिस्टेंस मिल सके, ठीक है। थम्स अप कर दे भाई। सो गाइस, क्या आप भी स्पेयर पार्ट को लेकर हमेशा परेशान रहते हो और आपको भी नहीं पता कि कहां से स्पेयर पार्ट खरीदना चाहिए? तो भैया बहुत नॉर्मल लोग तो कहेंगे जाके कंपनी से खरीद लो, लेकिन मुसाफिर भैया आप लोगों को बोलेंगे आप लोग जाइए www.budmo.com और अपना स्पेयर पार्ट जो है मंगवा लो, वो भी अपने घर पे। अब बूडमो जो है वो आप लोगों को ऑप्शन देता है कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है उनसे मंगा सकते हैं, ऐप के थ्रू मंगाओ, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करो, बहुत ईजी तरीके से आपके पास आ सकता है। इनकी जो पूरी पूरी वेबसाइट है, इनकी जो ऐप है उसका इंटरफेस बहुत इजी है, आप इजीली ऑर्डरिंग कर सकते हो। पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो अवेलेबल है, जिससे आप लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और भाई आई गेस इससे ज्यादा इजी तो और कोई चीज होगी नहीं। और भाई ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो आज ही ऑरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए ऑरिजिनल मिल जाएंगे, आफ्टर मार्केट चाहिए आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे। आज ही जाइए www.budmo.com और अपना स्पेयर पार्ट अपने डोरस्टेप पे मंगाइए। सो गाइस, जिस गाड़ी के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, फाइनली वो गाड़ी तैयार होकर आ चुकी है। ये हमारे करोलबाग वाले स्टोर से तैयार होकर आई है, और जैसा आप लोगों को पता है कि भाई फाइनल लुक तो यहीं पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस गाड़ी की वर्किंग इसलिए नहीं करी क्योंकि भैया वहीं पर आए थे। बिल्कुल। तो वहां से जो है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, वैसे हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे इसी स्टोर में आ जाओ भाई। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एयरी फील मिलेगा और जगह भी ज्यादा, कन्वीनियंस भी है, इंस्टॉलेशन भी और अच्छी क्वालिटी की हम आपको दे पाएंगे। ठीक है भाई, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज वहां पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई ये है हमारी महिंद्रा थार गाड़ी फिलहाल के लिए, जो सबसे डैशिंग दिखने वाली और सबसे जबरदस्त दिखने वाली है वो थार ही है। बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन जिम्नी का भी सॉल्यूशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। भरत ने अपनी जिम्नी खरीद ली है। बिल्कुल। अपनी गाड़ी के ऊपर अभी देख रहे हैं क्या करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते हैं, ओवर द टाइम जैसा रिस्पॉन्स होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो जिन भैया की ये गाड़ी है वो पाजी जो है गाड़ी के अंदर ही बैठे, लेकिन अभी उनसे जो है आप लोगों को हम लोग रिस्पॉन्स दिलवाएंगे। भैया का क्या टेस्ट था, भैया क्या चाहते थे? आपने अटेंड किया, पापा ने अटेंड किया? भैया को पहले पापा ने किया था अटेंड, फिर मैंने भी भैया से मिला था। भैया का टेस्ट था कि बहुत स्पेसिफिक था कि उन्हें पराड का डुअल प्रोजेक्टर बम्पर चाहिए था। ठीक है, ठीक है, काफ़ी देखा हुआ था उन्हें, पता था, और एक अच्छा प्रीमियम सेटअप चाहिए था। उसके लिए फिर हमने किंग कॉन्ग प्लस वाली लाइट सजेस्ट करी। ठीक है, उन्होंने बोला कि कौन सी एक्सक्लूसिव है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम प्रोडक्ट ही है हमारा। अच्छा, भैया का खर्चा एक आइडिया बताना भाई, थोड़ा सा क्या खर्चा भैया करके जा रहे हो? अराउंड 1.25 लाख के, 1,25,000 रुपए भैया ने स्पेंड किए है। बिल्कुल। अब इस 1,25,000 में दुनिया बोलेगी ओए ये काम तो 50,000 में हो जाता है, बिल्कुल, ये काम तो 40,000 में हो जाता है, तो 60,000 रुपए में हो जाता है। तो भाई थोड़ा रुको, वीडियो में एंड तक बने रहो। क्या क्या चीजों की कितने महीनों की सुनवाई है, कितने सालों की सुनवाई है, सब बताइए। ये आप लोगों को ऑन कैमरा आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप में से कोई भी थार ओन करता है और आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, ओनली एट भारत कार मुसाफिर एश्योर्ड एवरीथिंग जो है आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे भरत भैया ने बताया कि इसमें हम लोगों ने ड्यूल प्रोजेक्टर वाला प्राड का बंपर लगाया है विद ब्रांडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो भैया के प्रोजेक्टर भी लगाए गए। तो भैया अगर मैं केवल मोटे मोटे प्रोजेक्टर्स की बात करूं, इनकी कोई गारंटी वारंटी होती है? 2 साल भी है। 2 साल की गारंटी होती है? बिल्कुल। ये इनबिल्ड वाली है जिनमें एलईडी लगती है बाहर से? एलईडी लगने वाले लगाए भैया ने तो। ओके, और उनकी भी 2 साल की वारंटी होती है। ठीक है भाई, तो ये पीछे देख लो, कटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो अगर इनबिल्ड वाले हो तो ऐसी कोई कटिंग करनी नहीं पड़ती। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को बहुत क्लियरली जो है भरत ने आप लोगों को सामने बता दिया। यार इन लोहे के बंपरों का कोई गारंटी वारंटी है, कोई सुनवाई है? बिल्कुल, किस चीज की सुनवाई है? किसी भी चीज का कोई डिफेक्ट आ रहा है आपका, कोई भी चीज की दिक्कत आ रही है आपकी पूरी की, अगर पेंट खराब हो रहा है, फट रहा है या क्रैक आ रहा है, तो क्या उसकी सुनवाई भी है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई जॉइंट
है जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कोई वेल्डिंग हट रही है, कुछ भी है ऐसा, तो आपको लाइफ टाइम सुनवाई देता है पराड। और ये मैंने ये ब्रांड पराड का बिल्ड टू लास्ट प्रोडक्ट्स है, तो पराड ही आपको कहता ही कहता है। तो भाई अगर ठोक के आप लोगों को मिलता है, ऑन कैमरा भी दे सकते हो। ऊपर वाला ये प्लास्टिक का देते, लोहे का है ये, प्लास्टिक का भी है ये, प्लास्टिक है, नीचे वाले लोहे का। हमने गैप करने के लिए थोड़ा चौड़ा भी लगाया ताकि गैप जो है, और कई भैया की प्रेफरेंस कम हो तो हमने कम कर दिया। तो भाई ये भैया का अपना पर्सनल प्रेफरेंस था, कहीं सब बाकी पराड का आप लोगों को पता है कौन सा हैपनिंग बम्पर इस टाइम पे हम लोग लगाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने भैया की गाड़ी में 7 स्लॉट ग्रिल लगाई है, जो आप लोगों को हनीकॉम लुक के साथ में जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। भरत अभी कुछ हम वर्किंग भी कर रहे हैं न्यू ग्रिल के ऊपर, सुनने में आ गई है भैया, आ चुकी है। तो उन ग्रिल को और इन ग्रिलों में क्या फर्क होगा, पहले आप लोग क्या वो ग्रिल आपके स्पेसिफिक ऑर्डर पे, जैसे आपने बोला था कि भरत यार एक जैसे ये वाली ग्रिल है ना, इसमें कुछ वर्किंग करके दिखाओ, ठीक है, तो हमने वैसी ही ग्रिल की वर्किंग करके दिखाई है। ठीक है भाई, तो आप लोग जो है उसका रिस्पॉन्स चेक कर पाएंगे। इसके बाद इस गाड़ी में हम लोगों ने हांगकांग नहीं भाई, किंग कॉन्ग वाली लाइट डाली। हाँ जी भैया, किंग कॉन्ग, ठीक है भाई, किंग कॉन्ग 2 डाली है। हांगकांग तो सबके सब जाते हैं, हम लोगों ने जो है किंग कॉन्ग की लाइट आप लोगों के लिए लगाई है। किंग कॉन्ग नॉर्मल वाली और किंग कॉन्ग प्लस में क्या फर्क है भैया? किंग कॉन्ग नॉर्मल में तो वैसे भी क्वालिटीज बहुत सारी आ गई हैं, हम अभी भी बेस्ट टू बेस्ट ही यूज करते हैं, बट जो प्लस है ना उसका ग्लास क्लियरर है, ब्राइटनेस है, ग्लास में ही आपको पता लगेगा, DRL चौड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये एक फर्क आप लोगों को जो है आपको इसके अंदर, इसमें ब्लूटूथ वाइट है, इसमें इंडिकेटर है, इसका लाइटिंग रिस्पॉन्स ज्यादा है, तो मतलब जो मार्केट को चाहिए था वो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज बता, इन लाइटों की क्या गारंटी वारंटी है? 1 ईयर है, 1 ईयर की मिल रही है, जबकि मार्केट में कोई दे ही नहीं रहा है, कोई देता नहीं, बोल देते भैया फिर बाद में नहीं देते, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाई 1 साल की गारंटी वारंटी इसकी भी है, इसमें हम लोगों ने ये DRL और इंडिकेटर भी लगाया फ्लोटिंग वाले, इसकी क्या गारंटी वारंटी है? 1 ईयर की। तो मोटी मोटी चीज देखो, लाइफ टाइम का बम्पर, 1 साल के फॉगलैम, 1 साल की लाइट, 1 साल कौन सी, अच्छा फॉगलैम 2 साल के है, लाइटें 1 साल की, ये लाइटें 1 साल की, और ये जो ग्रिल है भाई इसकी क्या सुनवाई है भैया? पेंट की हर टाइम सुनवाई, अगर पेंट डल पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, कुछ भी है, तो कब कभी भी ले हो ग्रिल। तो भैया लोगों ने 1/25 लगाया, तो 1/25 में हर चीज की सुनवाई मिल रही है, पूरी मिलेगी। ये देखो रेडिएटर गार्ड भी भैया का लगा हुआ है इसमें, ठीक है भाई, वो भी पराड का, ठीक है भाई, रेडिएटर गार्ड भी हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया, इसमें क्या सुनवाई है? ये भी लाइफ टाइम पराड के हर प्रोडक्ट पे भैया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी डिफेक्ट हो उसमें आप लोगों की सुनवाई पूरी होगी। हमारे भैया लोग दोनों, हमारे पाजी जो है वो अंदर बैठे हुए, यहाँ से भी पता नहीं कितना आपको दिख रहा होगा, अभी उनको मैं आप लोगों को पूरा लुक दिखाऊंगा। सर सबसे पहले इग्निशन ऑन करके दिखा दीजिए गाड़ी का, बस ऑन नहीं करनी गाड़ी, बस इग्निशन दिखा दीजिए। सो गाइज यहाँ पर हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है और ब्लू लाइट आ गई है। अब इसके बाद दिस विल टर्न टू योर DRL कलर, जो कि आपके सफेद रंग की आप लोगों को लाइट मिलती है, साथ ही साथ में आप लोगों के जो DRLs है साथ वाले, उनका रिस्पांस भी आप लोगों के सामने है। अगेन इट्स वेरी ब्राइटर, और साथ ही साथ में रोड में जब ये गाड़ी चलेगी तो भाई ये लोगों की नजरें तो लेगी, साथ में पुलिस वालों की नजरें लेगी कि नहीं लेगी भाई? थोड़ी बहुत भैया, जब दो थोड़ी बहुत पुलिस वाले भी जो है थोड़ी नजर इसमें बनाएंगे कि भाई क्या डिफरेंट चीज इन भाई लोगों ने करा रखी, एक बार देखना बनता है। बाकी अगर आप लोग रोड पे चलते हुए इन लाइटों से किसी को परेशान नहीं कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको पुलिस वाले भी तंग नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर आप परेशान करोगे, क्योंकि नीचे वाली जो लाइटें इन्होंने लगवाई है, दिस यूज टू बी मतलब बिल्कुल ब्राइटेस्ट सेटअप, तो ये बड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी अब लाइटें ऑन कर दीजिए, एक बार हेडलाइट ऑन कर दीजिए सर। तो भैया की हेडलाइट यहाँ पर ऑन हो गई, देखो रिस्पॉन्स के लिए भी बढ़िया। एक बार डिपर मार्केट खाइए सर, ठीक है भाई, शटर की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ सर, फॉगलैम भी ऑन कीजिए। और अब ये जब फॉगलैम ऑन हो जाते हैं ना, तो इसके बाद ये गाड़ी बन जाती है पूरी बीस्ट। मारिए सर डिपर, तो आप लोग देख सकते हैं आपके फॉगलैम के डिपर्स भी वर्किंग हो रहे हैं, और ये केवल अभी इनसाइड का लुक है। बिल्कुल, आउटसाइड का मैं लुक आप लोगों को बकायदा दिखाऊंगा। सर बीच की पार्किंग लाइट ऑन कर दीजिए, ठीक है भाई। पार्किंग के साथ में आप लोगों के इंडिकेटर्स का रिस्पांस देखिए, देखिए एक कवर्ड जगहों में वीडियो बनाने का यही एक फायदा है। बिल्कुल अभी आप लोगों को देखो कितना इन डेप्थ देखने को मिल रहा है, फ्लोटिंग इंडिकेटर्स, यहाँ पर आपके जो रोलिंग वाली लाइट होती है ये भी आप लोगों को पूरा देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट से मोटी मोटी चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया, आई होप इट वॉज रियली नाइस, आप लोगों को समझ आई होगी। भैया लोग लाइट बंद करना चाहे तो बिल्कुल सर कर सकते हैं, थैंक यू। और इसी के साथ में नेक्स्ट चीज जो कि आपकी गाड़ी की साइड में आती है, अगेन वी आर गिविंग दी ऑफिशियल एलॉय व्हील के सॉल्यूशन। क्या क्या भाई, क्या क्या क्वालिटी अपने पास अवेलेबल है? भाई हमारे पास बहुत सारे JTI हैं, फ्यूल हैं, इनके बस हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स के अलॉयज हैं, बहुत सारे पैटर्न के अलॉयज। सुनवाई आप करोगे या वो करेगी कंपनी? हम तो करते ही आए हैं भैया, हम ही करते हैं फिर सुनवाई। ठीक है भाई, तो अलॉय व्हील्स में भी आपको सुनवाई मिलेगी, टायर्स के ऑप्शन भी दिलवा दोगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल भैया, योकोहामा आपका जियो लैंडर हो गया, आपका रिडार हो गया, बट हम बोलते हैं कि आप BF गुडरिच लगाओ अगर आप जा ही रहे हो, ठीक है, तो ठीक है आप BF गुडरिच, तो ये सॉल्यूशन ही अवेलेबल कराओगे? बिल्कुल, कहीं जाना तो नहीं है? नहीं नहीं, आप ऊपर देखेंगे सर सारा का सारा, ठीक है, सेटअप पूरा भैया देख के तसल्ली करके चूज करेंगे। चलो भाई बहुत डन बात हो गई है। अब इसके बाद ये आप लोगों के साइड फेंडर्स है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो साइड फेंडर में ये ब्लॉक्स नहीं लगे हुए आते हैं, तो ये आपने लगाया सर? बिल्कुल,
तो ये चिपकाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं? चिपकाए जाते हैं भैया। कितने रिलायबल है भाई ये? कभी टकरा के टूट सकते हैं? टकरा के तो भैया कुछ भी टूट सकता है। अच्छा, टकरा के तो बोलते सच ही है सबको, बट अगर टक्कर होगी तो टूट सकती है कोई भी चीज है। बाकी वैसे ड्यूरेबल रहते हैं, ऐसे गिरते नहीं, निकलते नहीं। बकायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों को फ्रंट में भी देखने को मिलेगा, रियर में भी अगर आप लोग चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जिन भैया की गाड़ी है दोनों की, उनकी शक्ल भी दिखाता हूँ। ठीक है भाई, तो जितने भी लोग आसपास के लोग देख रहे हैं, भैया कहाँ रहते हैं आप लोग? तो तिलक नगर से हमारे जितने भी भाई लोगों का प्यार है, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, और आपको पता है भाई पंजाबियों के शौकों को कोई बीट नहीं कर सकता, ऐसा है कि नहीं है भाजी? ठीक है भैया, लोगों की पूरी आप लोगों को रिस्पॉन्स वीडियो जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने देखा कि फेंडर्स में फ्रंट में लगाता है, रियर में भी लगता है। कई सारे लोग पूछते हैं भैया क्या इसको लगवाने का फायदा है कि नहीं है? भैया देखो, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, हर कोई नहीं लगवाता बिल्कुल, लेकिन अगेन अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है हाँ मेरे बजट के अंदर फिट हो रहा है, तो फॉर श्योर आप लोग जो है इंस्टॉल करा सकते हैं। सर एक बार लाइट ऑन कर दीजिए बस एक बारी। ठीक है, तो बकायदा आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने न्यू एक्स वाली लाइट जो है वो इंस्टॉल करी है। दिस इज दी वेलकम फंक्शन जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर इंडिकेटर्स भी जला दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा इंडिकेटर वाला लुक भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लाइट्स की क्या सुनवाई है, क्या गारंटी वारंटी है भाई? भैया इनकी आती है टेलर की 6 मंथ्स होती है, 6 मंथ की। अपने काउंटर से देते हैं, वैसे पीछे वैसे कुछ नहीं आ रहा, पर हम सुनवाई करने के लिए ताकि हमारे कस्टमर सिक्योर फील करें हम इनकी 6 मंथ देते हैं। 6 मंथ्स की आप लोगों को इसकी वारंटी मिल जाती है। रिफ्लेक्टर हमने आई गेस लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया, इसमें नहीं लगा। ठीक है भाई, तो भैया का रिवर्स कैमरा लगा हुआ था आपने लगाया भाई? ये भैया ये हमने लगाया है, ये हमने लगाया है। मैं भैया से पूछूं पहले, भैया इन्होंने लगाया रिवर्स कैमरा? है इन्होंने लगाया, क्वालिटी सही है? चलो भाई अभी दिखाएंगे, बिल्कुल बकायदा इस चीज़ को दिखाएंगे, और आपको कुछ दिख गया होगा अभी चमकता हुआ आगे जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। रियर की साइड से भैया ने सेफ्टी के लिए जो है क्या लगाया हुआ है भरत, बताइए? दिस इज कॉल्ड स्टेपनी गार्ड। कई सारे लोग पूछते हैं कि इसके बाद भी गाड़ी की टायर की चोरी हो सकती कि नहीं हो सकती है? भैया बहुत हो तो सकती है, पर बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो चोर को क्या लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं थोड़ा आसान वाला कर लेता हूं। ठीक है, तो दूसरी वाली जिसमें नहीं लगा हुआ उसकी थार चोरी हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, अब भाई मैं आप लोगों को पहली बार अपनी वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। अब देखो ये प्रोडक्ट जो है ये बड़ा ही, मतलब कहते हैं ना, इसकी भी बहुत खतरनाक हाइप बनी हुई है। अगर आप इसको बंद कर दे तो आप बोलोगे भैया ये क्या चीज़ है, ये इंस्टाग्राम की रीलों में काफ़ी चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखना चाहोगे रिस्पांस भाई, जैसे आप लोगों ने अपनी गाड़ी ऑन करी बकायदा, नहीं सेल्फ नहीं भी मारोगे तब भी आई गेस ऑन हो जाएगा ये थोड़ी देर बाद। इसको हाँ, ये आई इसके अंदर जान, ये ऐसे करके बना रिंग परफेक्ट, जैसे आपका AMG इवेंट्स आते थे वो। देखो भाजी कह रहे भाई अच्छी जगह दिखाओ ना, तुम कम लाइट वाली जगह दिखा रहे हो। देखो भाई थोड़ा डिम है, लेकिन इट लुक्स सो हैपनिंग। मैंने पाजी से ये भी बोला यू शुड हैव गॉन फॉर दिस वन ऑल्सो, उन्होंने वो भी कहा। भरत आपने क्यों नहीं रिकमेंड करवाया भाई भैया को, पहले ये बताओ। भाई देखो, जब वो प्रोडक्ट आया था स्टार्टिंग में हमने थोड़े कंप्लेंट इश्यूज फेस किए थे। ठीक है, तो उसके बाद ना हम पहले अपनी गाड़ियों में टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जिस वॉल्यूम पे गाड़ी है हम उन्हें कोई भी चीज़ बिना R&D के दे देंगे तो हमारे पास कंप्लेंट इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वो भी तो सॉल्व, हम ऐसे क्यों किसी को बात बुलाए, उनका टाइम है हमारा टाइम है, एक प्रोडक्ट के लिए क्यों करें। इसीलिए हमने जो भी चीज़ की थी आज तक हमेशा पहले हमने अपनी गाड़ी पे टेस्ट करी। अच्छा, मेरे से कई सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कॉन्टिन्यूस, क्या भैया इसमें एयर फ्लो कम होता है? जी हाँ, इसमें एयर फ्लो कम होता है। ऑन कैमरा आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपनी वालों में एयर फ्लो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ऑल दो इसके पीछे फोम लगाई जाती है जिससे हवा का रुख है वो अच्छा बन जाए, लेकिन हाँ गाइस इसमें आप थोड़ी सी हवा से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। अब आप लोग इतना यकीन करते हो तो मैं गलत चीज़ ना तो आपको रिकमेंड करूँगा, ना आपको गलत चीज़। बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, उनसे मेरी भी बात हुई है, तो हर बार मैंने बोला 10-15% एयर फ्लो कम होगा ही होगा। और जिन लोगों को, जैसे मेरे ऐसे बंदे हैं जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है, जिनका शरीर ज़्यादा बड़ा है, तो भाई उनको उनको ये चीज़ है कि मेरे को ये फील होती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आई गेस पता चल गई। इसके बाद हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर लगाए हैं ग्रैब हैंडल्स, और दिस वन इज़ आप लोगों के, मतलब अगर आप देखोगे नॉर्मल जो मार्केट में लोग लगाते हैं, ये वाली आपकी उतारी जाती है, इसके पीछे ऐसे ड्रिल मार देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद इधर से पानी जाता है, वहाँ रस्टिंग हो जाती है। तो ये क्या है, ड्रिल फ्री है? ड्रिल फ्री है भैया। ठीक है, और इनकी जो ड्रिलिंग का पूरा प्रोसेस है लोग पूछते रहते हैं, तो इसका जो होता है आपका ए पिलर के ऊपर, इसी के ऊपर नट लगाया जाता है। ड्यूरेबिलिटी वाइज अगर आप लोग बात करोगे दिस इज ड्यूरेबल, लेकिन हाँ जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जबरदस्ती कुछ तोड़ने का प्लान बना लोगे तो भाई टूटेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया, दिस इज दी न्यू थार, क्योंकि इसमें आप लोगों को लोगो भी देखने को मिलेगा, यहाँ के बटन्स भी देखने को मिलेंगे। कितने दिन हुए भाजी लिए हुए? 2 हफ्ते हुए, मतलब 14 दिन 15वें दिन काम हो गया भैया का। अच्छा, 2 तारीख को ली थी? 9 को ली थी। अरे मैं देखो लकी बैच में से मैं, क्योंकि लकी उन्हें मानता हूँ जिन्हें MRF का टायर मिल जाता है। ठीक है भाई, तो जितने भी सीएट वाले हैं वो बहुत परेशान है, है ना? और भाई मेरे पास भी MRF का है तो मुझे पता है क्या फर्क है। बिल्कुल, मेरे पास भी MRF का है, MRF है ना, तो भाई ये चीज जो है काफी मैटर करती है, और जिन लोगों को समझ आती है वो जो है खुद ही समझ गए होंगे। भैया लोगों ने अभी हाथ रखा हुआ देख रहे हो आप लोग, ये एक पोस्चर होता है एक नॉर्मल इंसान जब गाड़ी के अंदर बैठ रहा है, तो ये चाहिए
कंपनी को देना चाहिए, भाई इतने पैसे लेके आप गाड़ी दे रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, इसका सोल्यूशन भी भरत का है, भैया के थोड़े पैसे लगवा दिए हमने, लेकिन कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन भरत ने दे दिया, सारे कलर्स में अवेलेबल है भाई, बिल्कुल हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया चीजें दिखाई, और भैया का रियर आर्मरेस्ट भी जो है भैया अभी यूजफुल तरीके से यूज कर रहे हैं, वेट वाइप्स भी रखी हुई है उसके ऊपर, तो भाई ये भी एक यूजफुल तरीके से यूजफुल जो है आपका काम पूरी वर्किंग हो रही है। अब भैया देखो भाई लाइव बैठे हुए तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, भैया पूरा जैसे आप पैर नॉर्मल रख रखा है, देखो भाई तो ये हम लोगों के 70 मैट्स है ऑफिशियली है, क्योंकि भैया हमारी चाहे मर्सिडीज हो, ऑडी हो, कोई भी गाड़ी हो उसमें डलते हाइपरसोनिक वाले ही है, बिल्कुल ठीक है, हाइपरसोनिक तो अपना ब्रांड है भाई, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, आप लोग देख लो, और इसका फिट फिनिश इसका सब कुछ बहुत जबरदस्त है, और भाई आई होप मैंने आप लोगों को जो है एक आइडिया जो है पूरा एक ओवरऑल दे दिया है। भैया ने स्पेंड किए 1,25,000 रुपए, ये हम लोग अगर मैं बोलता हूँ यार थोड़े से हम प्रोडक्ट्स डाउनग्रेड करते लेकिन क्वालिटी फिर भी रखते, तो कितने रुपए में अटेन कर सकते थे भैया? 90,000 रुपये भी हो सकता है, 80,000 रुपये भी हो सकता है, ठीक है 80,000 में भी हो सकता है, 90,000 में हो सकता है, अगर मैं कहूँ 50-60,000 में हो सकता है, ये सारा काम मुश्किल है पर काफी हद तक फ्रंट हो सकता है, ठीक है आपके ग्रैब हैंडल जोकेट ऑरेंज, हमने 50,000 का फिर तो पूरा पैकेज सब बिल्कुल, मैं आप लोगों को पिन मतलब ऊपर क्या बोलते हैं एक वो भी लगा के दे रहा हूँ, आप लोग क्लिक करना 50,000 1,00,000 1,50,000 क्या क्या करा सकते हैं उसमें आप लोगों को लुक मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये तो बात हो गई भाई गाड़ी के ओवरलुक के बारे में, अब चलते हैं कस्टमर के पास, क्योंकि कस्टमर को भाई हम लोगों को पर्सनली जो है कस्टमर से बायस रिव्यू नहीं चाहिए, बिल्कुल उनको जैसा लगता है, अगर उनको कोई कमी लगी हो कि इन्होंने मेरे से पैसे लूट लिए, या इन्होंने मेरे को तंग किया, इन्होंने मेरे से कुछ बात ही नहीं करी, बिल्कुल ये सब चीजें पूछनी है, और ये हम लोग ऑन कैमरा आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइज जिन भैया की गाड़ी है, आई नो सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पंजाब का नंबर होगा जिस तरीके से वर्किंग हो रही थी, लेकिन भाई भैया लोग दिल्ली से ही है, और भैया लोग तिलक नगर से बिलोंग करते, सर नाम बता दीजिए, तरन भाई हमारे साथ है, बख्शीश हमारे साथ भाई है, और हमारे भरत भैया हमारे साथ है, सबसे पहली चीज भैया को एक चीज दो भाई, भैया ये हम भैया को एक बैग दे रहे हैं जो हमने अभी बनाया, इससे काफी यूटिलिटी मिलेगी भैया को, अब इससे आगे की चीज मैं संभाल लूं, बिल्कुल। तो भाई दिस इज द प्रोजेक्ट 4x4, दिस इज ऑफिशियल भरत कार का ये अपना ब्रांड है, और इस ब्रांड के अंदर आप अगर देख पाओगे पीछे हमने वेलक्रो लगा रखे है, क्योंकि इसको आप लोग यूटिलिटी के हिसाब से यूज करते हो, तो अपना फोन है आपकी जेब में, अभी निकालो एक बार, इसमें आगे फोन डालो एक बार जरा, और जरा लोगों को लाइव टेस्टिंग दिखाओ भाई, ये आप लोगों का जो है फोन इसके अंदर कंपेटेबल तरीके से जो है इसके अंदर फिट हो गया भाई, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, भैया की कॉल आ रही है अभी इसलिए मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया, काट दो भैया कॉल काट दो, पहले कॉल काट दो, ठीक है, और इसी के साथ में आपको कुछ रखना चाहो, चलो चाबी रख के दिखा दो थोड़ी सी, वैसे चाबी तो लगी रहती है लेकिन कुछ भी अगर आप सामान रखना चाहो तो ये आप लोगों का ये यूटिलिटी हो गया, सर इसको खोल के भी दिखाइए ऊपर से, तो हमने इतनी बढ़िया स्पेस वाली चीज़ बनाई है, ये आपके जो हैंडल लगा होता है ना उसमें ये बन जाएगा, ये भी खोल दो, जिप भी दिखा दो खोल के, केवल लोगों को ऑन कैमरा सनग्लासेस रखने हैं या फिर आपको नैपकिन रखना है या वेट वाइप्स रखने हैं, स्पेक्स रखने हैं, पाजी दम है चीज में, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल तो ये हमारी ऑडियंस जो भी हमसे काम कराने आ रही है, अगेन उनको जो है हम लोग ये इसको एज अ गिफ्ट भी देंगे, अगर आप में से कोई परचेज करना चाहे तो आप लोग परचेज भी कर सकते हो, लगा के दिखाओ भैया की गाड़ी में लाइव ऑन कैमरा, ये जो है भरत आपको लगा रहा है, मीनवाइल भैया से पूछता हूँ भैया, अब भैया चलेगा सच्ची अच्छी बताना कैसा हुआ काम, काम तो बढ़िया करके दिया, काम बढ़िया, कितना टाइम लग गया ये बताओ पहले, दिखाते वो चीज है कि नहीं है, बिल्कुल 110% है, जो दिखाते उससे ज्यादा है, उनका व्यवहार अच्छा था जो अंकल अंकल जी तो ऐसे करते हैं मेरे अपने बच्चे जैसे हैं, उनसे हमारा प्रेम प्यार बड़ा बन गया, अंकल जी से तो अंकल की रिपोर्ट हर जगह बहुत ओके है भाई, बिल्कुल अंकल जी ने फुल गुंजाइश करी है हमारी, बहुत हमारा वो रखा है अंकल जी ने, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ग्रोवर अंकल के लिए भाई एक बार ये आप लोग नीचे लिख देना ऐसे थम्स अप कर देना, और बाकी भैया जो पैसे स्पेंड किए आप लोगों ने जो पूरी वर्किंग करी उससे आप सेटिस्फाइड हो, बिल्कुल सर बिल्कुल टोटल वर्थ इट है, और जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप हो गए दोस्त यार जितना हो गया सबको बोलोगे आओ, बिल्कुल भैया, और यहीं आना है भरत कार में आना, ठीक है द्वारका मतलब जो कहते हैं ना भैया हम बहुत दूर से आ रहे हैं, तो भैया लोग भी तिलक नगर से आया अच्छा खासा ट्रैफिक मिला होगा, बिल्कुल ठीक है, और अभी जाते भी मिलेगा, लेकिन जब इतना बढ़िया काम होगा तो आना है तो कुछ तो सहना पड़ेगा, अगर अच्छा काम कराना तो कुछ तो सहना पड़ेगा आपको, चलो भाई बहुत बढ़िया, भरत भैया को दे दो एक बार माइक, तो भाई भैया लोगों का आपको रिपोर्ट मिल गया, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमने क्या चीज भैया की गाड़ी में इंस्टॉल किया है, ये बड़ा इजी चीज है, आप में से कोई खरीदना चाहो बहुत महंगी चीज नहीं है भाई, एंड देयर यू गो, ये आप लोगों का एक तरीके से क्या यूटिलिटी बोलते हैं इसको भाई, यस यूटिलिटी बैग, आओ भैया आप लोग भी देखो एक बार, आ जाओ एक बार भैया लोग भी अपना देख के एक बार रिपोर्ट देंगे हमको कि क्या बोलते हैं वर्थ है कि नहीं है, पाजी बकायदा अंदर बैठो, मैं सबसे लाइव टेस्टिंग यही दिखाना चाहता हूँ, कोई बैठ जाएगा अंदर आ जाओ, देखो भाई भैया ने ग्रैब हैंडल का भी यूज किया पूरा बकायदा, बैठ गए भैया, तो भैया चीज है क्योंकि फोन यहाँ पड़ा रहेगा यहाँ रुलता रहेगा कहीं ना कहीं तो गिरता रहता है, तो भाई अब रिपोर्ट हो गई ओके, भैया लोग हमारे सबसे पहले ऐसे बंदे हैं
जिनके लिए हमने ये टेस्टिंग के लिए दिया है। और भाई आप भी अगर आ रहे हो तो आप भी ग्रैब कर सकते हो, बट थम्स अप कर दो भैया। सो भाई भैया की गाड़ी में ना डोर हिंजेस भी लगे, ये बताया नहीं भरत भैया, शायद से भूल गए थे। ठीक है भाई, डोर हिंजेस है। लाइव टेस्टिंग करो भाई, लाइव टेस्टिंग भैया की गाड़ी में। अगर ये टूट गया या मुड़ गया तो भाई भैया को इससे भी ऊपर की क्वालिटी की एक चीज और अवेलेबल कराएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई ऑन कैमरा, भैया भी हमारे साथ ही है। ठीक है भाई, चढ़ो भाई, चढ़ो पूरी ताकत से चढ़ो। ठीक है, ये देख लो, लाइव टेस्टिंग है ये। जूते भी महंगे वाले पहन रखे इन्होंने, रॉजर फेडरर वाले। ठीक है, ठीक है भाई, ये आप लोगों के सामने है एंड आई गेस आपको आइडिया मिल गया। सो गाइस, नाइट मोड में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोगों ने वीडियो जो है वो चेकआउट कर ली होगी अच्छे से। ये आप लोगों का नाइट मोड का जो है एसी वेंट का रिस्पॉन्स है, इट लुक्स रियली नाइस। अब कुछ लोगों के लिए अनोइंग भी हो सकती है क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है, तो तंग हो सकते हो आप लोग, तो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपकी चॉइस हो वैसा आप करना। सो गाइस, इसके बाद हम लोग जो है एक बार आप लोगों का हेडलैम्प का लुक चेक कर लेते हैं। एक बार बंद कर भरत पूरी लाइट। ठीक है, अब ये स्कूटी आ रही है सामने से, इसको जाने देते हैं। अब कर भाई हेडलैम्प दिखा, हाई बीम लो बीम करके दिखा। ये देखो भाई हाई बीम लो बीम, क्योंकि अभी नीचे के फॉग लैम्प भी ऑन हो रहे हैं ना, तो नीचे के फॉग लैम्प भी ऑन करो भाई। ये देखो भाई, ये आप लोगों का परफेक्ट सी बन रहा है यहाँ पर। और अब मारो भाई डिपर, वो देखो भाई लाइट देखो आप लोग। ठीक है, अब लो बीम करो, हाई बीम करो। ठीक है भाई, बड़ी रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करना। अगर किसी को आप परेशान करते हो तो यू आर खुद से रिस्पॉन्सिबल भाई। अगर आप किसी को परेशान करते हो, हम लोग कोई भी रिकमेंड नहीं करेंगे गलत चीज़। फिर दिखाओ भाई डिपर। ठीक है, मैं अंदर से भी आप लोगों को बकायदा भैया लोगों को क्या फील आएगी गाड़ी चलाते हो, दिखाओ भाई। वो देखो भाई परफेक्ट है भाई जी, कैसा लग रहा है? भैया के इमोशन भी निकल गए थे, क्या पता वीडियो में आए भी हो। तुमने रात को देखा नहीं था, अब देखा तो पागल हो गए। इमोशन आए वीडियो में, इमोशन आ चुका है एक वीडियो में, लेकिन वो हटा नहीं सकते भाई, कोई बात नहीं। इमोशन भाई बंद कर दो, आगे से बंदा परेशान हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना भैया। बढ़िया है, थम्स अप कर दीजिए भैया। सो गाइज, आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए लंबी जरूर थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारा ऑफिशियल स्टोर भारत कार का करौलबाग के अंदर है। हाँ जी, अब हमारा शोरूम और बड़ा हो चुका है क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं नारायणा के अंदर में। अगेन, जो लोग कहते थे कि भैया हमें बिल्कुल इंटैक्ट वर्किंग चाहिए, हवा सब कुछ जो है ना बिल्कुल ओके चाहिए, आसपास कोई आवाज नहीं चाहिए हॉर्न की, तो आपके लिए हम लोग इस शोरूम को जो है लेके आ चुके हैं। प्लीज आप लोग इस जगह का पार्ट जरूर बनिएगा। आप लोगों के लिए एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, नंबर अभी सेम ही है क्योंकि नंबर अगर हम चेंज कर देंगे तो उससे काफी कस्टमर कंफ्यूज हो जाएंगे, जो हमारा पुराना कस्टमर बना होगा, तो हम नंबर चेंज नहीं करेंगे। अगर आप करौलबाग काम कराना चाहो मोस्ट वेलकम है, इधर काम कराना चाहो नारायणा के अंदर अगेन आप मोस्ट वेलकम हो, और अगर आप अपने घर पे कराना चाहो तो हम लोग मोस्ट वेलकम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग सोल्यूशन सारा आप लोगों को यहीं पर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। जितने भी प्रोडक्ट्स है सब में गारंटी वारंटी है, जिसमें होगी बताएंगे, नहीं होगी तो नहीं बोल आगे बताना कर देंगे, मना कर देंगे नहीं है भैया। ठीक है, और मैंने भरत को एक चीज यही बोली है कि भाई हम लोग जितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं चाहे 6 महीने की वारंटी हो 1 साल की हो, लेकिन कस्टमर को दो, उससे कॉन्फिडेंस बनता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कस्टमर कॉन्फिडेंस मेन है, और हम इसीलिए करते हैं कि बहुत चीज़ें हम ऑफ द शेल्फ देते हैं, कुछ चीज़ों की नहीं आती हम तब भी कभी कभार दे देते हैं यार, अगर कस्टमर जेन्युइन है, हमें लग रहा है बंदा जेन्युइन है, ठीक है तो हम वैसे कर देते हैं, फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं आती। भरत, क्या विजन है अब आगे, मतलब जैसे लोग पूछते हैं कि आगे जिंदगी में क्या करना है, आपकी क्या विजन है अब, यहाँ पर क्या लेवल खींचना है भाई? भैया यहाँ पे हमें एक लेवल और ऊपर जाना है, जैसे हमने एक ये पैसेज बनाया, ठीक है, एक लेवल ऊपर तो हम जा चुके हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो बन चुका है भाई क्या बोलते हैं पूरा वेटिंग एरिया है, अब हम लोग और ऊपर जाना है हम लोगों को, मतलब हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, जैसे अब हमने एक ये डार्क करके हम यहाँ पे बीम पैटर्न दिखा सकते हैं लाइट का, कि आपकी राइट साइड ऊपर है, लेफ्ट साइड ऊपर है, राइट हैंड ड्राइव है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, लोग बोलते हैं हम अब उन्हें दिखा सकते हैं ना कि हमारे पास जगह है ये सारी चीजें दिखाने की, उन्हें गाइड करने की, प्रोजेक्टर की बीम सेट करने की और अच्छे तरीके से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उस काम को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम लाए हैं। और गाइज अगेन, आप लोगों को मुसाफिर एश्योरेंस हमेशा यहाँ पर मिलेगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई फीडबैक हो, कोई कंप्लेंट हो, किसी तरीके की कोई परेशानी हो, आप लोग मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि भरत मेरे तक बात पहुँचने देगा, आप लोगों को पहले सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल करा देगा। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप में से कोई भी ऑफ रोडिंग व्हीकल ओन करता है, चाहे वो थार हो, जिमनी हो, इसुजू हो या फिर हाइलक्स हो, किसी भी तरीके की गाड़ी का आपको सॉल्यूशन चाहिए, भरत कार जो है वो आप लोगों को फुल असिस्टेंस देगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू ऑल एंजॉयड, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड